नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, स्टॉक का प्राइस आफ्टर ईयर 2020 जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा है, प्राइस वहां पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिल रहा है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस का जो रेड लाइन जा रहा है, ये हो गया इंपोर्टेंट एंड मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस। एंड फाइनली ईयर 2024 जनवरी में प्राइस देखिए यहाँ पे उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक करके उसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस जब भी टेस्ट किया है ना, प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ब्लू लाइन एक मोमेंटम लाइन जैसा काम कर रहा है। एंड जब तक स्टॉक का प्राइस इस मोमेंटम लाइन को होल्ड कर लेता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहां से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। एंड आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन यहां पे जो प्राइस बाउंस किया है ना, ये ट्रेंड जो ट्रेंड रिवर्सल है वो कंफर्मेशन तभी होगा जब प्राइस यहाँ पे जो हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है उसका लेटेस्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर देगा, जो कि लेवल बन रहा है नियरली अबव 30। देखिए यहाँ पे जो स्विंग हाई क्रिएट किया है 30, जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे उसका इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास एक हायर हाई फॉर्मेशन अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्म होगा दिस लेवल के ऊपर, 30 लेवल के ऊपर। तो अगर आपके पास है अभी, आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, जिस टाइप का इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में बन रहा है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे उसका 30 लेवल को ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो आप यहाँ पे 30 लेवल के ऊपर नजर रखिएगा। इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस जाकर डायरेक्ट टेस्ट करेगा 39, और 39 को ब्रेकआउट करने के बाद क्या टारगेट बनेगा आगे हम कवर करेंगे। इसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो बनेगा, जो कि बन रहा है बिलो 24.4, जो कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करेगा ना, दिस स्विंग लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अगर प्रीवियस लो को प्राइस ब्रेक नहीं करता है एंड 30 लेवल को ब्रेकआउट कर लेता है, उसी केस में नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट आ सकता है एंड जो टारगेट बनेगा बड़ा टाइम फ्रेम का वो बनेगा 57, जो कि लाइफ हाई है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि करंट लेवल से भी स्टॉक का प्राइस डबल हो सकता है, लेकिन ट्रेंड कन्फर्मेशन होगा एबव 30 लेवल। एंड हमेशा से आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पे है प्रोमोटर के पास 75%। अगर प्रोमोटर देखेंगे कौन यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके पास है 40% है। एंड यहाँ पे FI शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं 2.34 से इंक्रीज करके करती हैं 2.46%। तो FI का खरीदारी दिखाई दे रहा है, उसके साथ टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बुलिश हो जाएगा एबव 30 लेवल। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।